फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की सबसे मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज को रिलीज हुआ आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 2 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, सुपर हिट हुई है या फिर हुई है फ्लॉप, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार के डायहार्ड फैंस है, महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा 18 साल की रिसर्च के बाद बनाई गई है फिल्म पृथ्वीराज, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद नजर आए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट रखा गया है, जो कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा क्यों है। इस फिल्म के ग्रैंड सेट्स, इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म का म्यूजिक और इस फिल्म के लोकेशंस काफी बेहतरीन है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमैक्स और इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर के जो रोल है वो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार संजय दत्त, सोनू सूद और आशुतोष राणा ने, और इन तीनों के ही बेहतरीन कैरेक्टर्स को देखने के बाद आपको गुजबम्स आ जाते हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 2 घंटे 16 मिनट के इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल 3,550 स्क्रीन पर हिंदी में और तमिल तेलुगु को मिलाकर 3,750 स्क्रीन मिली थी, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस हासिल कर ली थी। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के खिलाफ काफी ज्यादा नेगेटिविटी की गई, इस फिल्म में अक्षय कुमार के रोल को काफी कमजोर बताया गया, लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार ने उन सभी हैटर्स की बोलती बंद करते हुए इस फिल्म में जिस तरह का जबरदस्त काम किया है, उसके बाद दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म बन चुकी है और इंडिया के हिस्टोरिकल पीरियड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिविटी की गई थी उस वजह से इस फिल्म की जो ओपनिंग है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन टोटल 15 करोड़ रुपए की ही ओपनिंग ली है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो 22 करोड़ रुपए के आंकड़े को ही पार कर पाया है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म से उम्मीदें थी कि ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले ले, लेकिन दोस्तों हैटर्स जो चाहते थे उसमें वो कामयाब हो चुके हैं और अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को अपने पहले दिन काफी कम ओपनिंग मिली है। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि आज अपने दूसरे दिन अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए जिस तरह की आउटस्टैंडिंग एडवांस देखने को मिल रही है और जिस तरह से दोस्तों ऑन स्पॉट बुकिंग अक्षय कुमार की इस फिल्म को मिल रही है, आज दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने